भदोही जिले के औराई के दुर्गा पूजा पंडाल में आपकी घटना पर लगातार हम बने हुए हैं। इस घटना में कुल कितने लोग झुलसे हैं, कुल कितने लोगों की मौजूदगी थी? भदोही के जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या कहा है, सुनिए। नवरात्र की पूजा के लिए एक पंडाल औराई में, जो तहसील औराई है भदोही की, वहाँ पे एक पंडाल था। करीब 150 से 200 लोग वहाँ पे मौजूद थे। करीब 8:45 से 9 के बीच में आरती जब हो रही थी तो शॉर्ट सर्किट की वहाँ पे घटना हुई, प्रथम दृष्टया जो पता लगा है। और करीब 42 लोग अभी झुलसे हैं, जो डिफरेंट डिग्री ऑफ बर्न्स हैं। उनमें से करीब 32 को हमने प्रिकॉशनरी वाराणसी हायर सेंटर्स में रेफ़र कर दिया है। बाकी लोकली ट्रीट हो गए हैं यहाँ पे। अभी तक कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, बर्न्स हैं, कोई स्मोक से कोई भी इस तरह की कैजुअलिटी नहीं है। और वाराणसी में हायर सेंटर्स से कबीर चौरा BHU और मदन मोहन मालवीय मंडलीय अस्पताल, वहाँ पे ट्रीटमेंट की तैयारी हो गई है। और जैसे ही हमारी वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचेंगी, उनको तत्काल इलाज स्टार्ट हो जाएगा। क्या पाया गया कि किस तरह से आग लगी? जैसा मैंने बताया कि प्रथम दृष्टया अभी शॉर्ट सर्किटिंग है, स्मोक एट्सेट्रा नहीं था, तो कोई और कारण या साबोटाज अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। हम लोग उसकी तफ्तीश करवा रहे हैं, पर पहली प्रायोरिटी पे भी कैजुअलिटीज़ ना हो और सभी लोगों का प्रॉपर इलाज हो जाए, ये हम लोगों ने सुनिश्चित करवाया है। CHCs और सूर्य हॉस्पिटल और बाकी दो और लोकल हॉस्पिटल से प्रथम दृष्टया सबको इनिशियल ट्रीटमेंट मिल के, अब आगे BHU और जो हायर सेंटर्स हैं वाराणसी में, उनमें हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है, जबकि तमाम प्रिकॉशनरी इसमें दो मीटिंग स्तर पर हुई थी, फुट पेट्रोलिंग भी हुई थी। इसकी हम लोग रूट तक जाएंगे कॉज की, और जो भी इसमें जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी तीव्रता से तय की जाएगी। अभी कोई कैजुअलिटी नहीं है, सब ज़्यादातर सभी जितने भी हमारे पेशेंट्स थे सभी को फर्स्ट ट्रीटमेंट मिली है। 40% से ऊपर बर्न्स, जैसा मैंने बताया, हमने केसेस रेफर किया है स्मोक से, क्योंकि वहाँ पे स्मोक नहीं था तो इमीडिएट डेथ होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं, वहाँ भी अकाउंटिंग हो रही है। 42 लोग ऑलरेडी अकाउंटेड हो चुके हैं, यही संख्या है, यही संख्या हमने जो वहाँ पे विटनेसेस थे उनसे टैली हुई है। तो हम लोग श्योरिटी से कह सकते हैं कि अभी कोई कैजुअलिटी नहीं है। ये ओराई कस्बे में 9 बजे के आसपास यहाँ पे एक दुर्गा पंडाल था, उसमें अचानक से आग लग गई। चूँकि उस समय आरती और आरती का समय था तो इसमें काफ़ी लोग थे, उसमें से 10 से 15 लोग जो हैं वो झुलसने की सूचना है। जो घायल हैं उनको तुरंत सूर्या ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, और अभी कुछ घायलों को BHU ट्रॉमा सेंटर